नमस्कार, जी राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राइट टू हेल्थ पर गतिरोध बरकरार है, लेकिन देर रात हुई सरकार के साथ वार्ता में सकारात्मकता। मुख्य सचिव और सचिव टी रविकांत सुबह 5 बजे तक करते रहे इसके लिए कवायद। डॉक्टर भी सहमत नजर आए। सरकार के आश्वासन से आज फिर जारी रह सकता है निर्णायक वार्ता का दौर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। डॉक्टरों के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको, उस गतिरोध को खत्म करने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं कि राइट टू हेल्थ पर गतिरोध लगातार बरकरार है। मरीजों को जो है काफी बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और इसी को लेकर देर रात सरकार के साथ इनकी एक सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसमें मुख्य सचिव और सचिव टी रविकांत सुबह 5 बजे तक इसको लेकर कवायद लगातार करते रहे, बैठक करते रहे, इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कोशिश करते रहे, जिस पर डॉक्टर भी सहमत नजर आ रहे हैं। सरकार के आश्वासन से आज फिर ये वार्ता जारी रह सकती है, और ये निर्णायक वार्ता का दौर चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज भी ये बैठक चलती रहेगी, और डॉक्टरों को मनाने की कवायद की जाएगी। राजधानी में तेज अंधड़ और बरसात के बीच मुख्य सचिव के घर पे डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर वार्ता अल सुबह तक जारी रही। मुख्य सचिव और टी रविकांत की मौजूदगी में डॉक्टर्स के सभी दड़े आज यहां इस वार्ता में शामिल हुए, लेकिन कोई ठोस नतीजा सुबह तक नहीं निकल पाया। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद जो गतिरोध टूटा था वो इस वार्ता के बाद और आगे बढ़ा है, और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में यह हड़ताल जल्द खत्म होगी, जिससे यहाँ की जनता को, प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल सकेगा। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ मनोज माथुर, जी मीडिया। ही निकल पाया, और आज